मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। तो देखो यार, फाइनली सिनेमाघरों के अंदर योद्धा मूवी स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी, राशि खन्ना, सनी हिंदुजा, जिसको मैंने अब कम्प्लीटली वॉच कर लिया। तो ये मूवी मुझे कैसी लगी और क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती है, आपको सब कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाई एवरी वन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बींग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, इस शो की स्टोरी फॉलो करती है अरुण कटियाल को, प्लेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि आर्मी की एक स्पेशल टास्क फोर्स जिसका नाम था योद्धा, वो उसका मेंबर है, जिसकी शुरुआत जो उसके फादर ने की थी। किस तरीके से वो खुद एक ऐसे हाईजैक वाली कंडीशन में फंसता है जहां पे उसको एक साइंटिस्ट को बचाना होता है, किस तरीके से वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाता, कैसे वो ट्रॉमा उसके साथ लाइफ टाइम चलता है, और किस तरीके से उसको एक बार फिर मौका मिलता है अपने देश के लिए फिर से एक बार काम करने के लिए, और कैसे एक बार फिर से वो 120 सिविलियंस के साथ कैसे एक ऐसे हाईजैक वाले प्लेन में फंसता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और सारा का सारा जो मामला है घूम के उसके ऊपर ही आ रहा है, किस तरीके से वहां से वो उन सबको बचा के लेके आएगा, और किस तरीके से वो जो बड़ा मोटिव है उसको रोक पाता है कि नहीं, यही इस पूरी मूवी की स्टोरी है। विद लॉट ऑफ एक्शन, विद लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, विद लॉट ऑफ देशभक्ति जो आपको डेफिनेटली फील होती है, विद लॉट ऑफ इमोशंस। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो चीज़ें इस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं वो आपको टू द पॉइंट हिट होती हैं। और अगर किसी मूवी के अंदर हाईजैक, थ्रिल, एक्शन कुछ अगर देखना हो कैसा होना चाहिए तो डेफिनेटली इससे एग्जांपल लेना चाहिए। तो एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। इस मूवी का पहला पॉजिटिव पार्ट होगा सारे के सारे एक्टर्स का काम, चाहे आप बात करो सिद्धार्थ मल्होत्रा की, चाहे आप बात करो राशि खन्ना की, चाहे आप बात करो यहाँ पे दिशा पाटनी की, या आप बात करो सनी हिंदुजा की, और स्पेशली इनकी जो उनकी लास्ट में एक्टिंग निकल के आई है ना, मजा आ गया उन्हें काम को देख के। मतलब जिस तरीके के रोल के हम लोग उनको जानते हैं, यहाँ कुछ डिफरेंट ट्राई किया और बंदे ने फाड़ा है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इसके अंदर जिस तरीके से आपको एक्शन देखने को मिला है, यार बिलीव करो इतने कमाल के एक्शन सीन्स हैं। और एक सीन तो इतना ज़बरदस्त है जिसके अंदर प्लेन जो है पूरे का पूरा रोटेट कर रहा है और अंदर का जो एक्शन है वो रुक नहीं रहा है, और जिस तरीके से उसको शूट किया गया है मजा आ गया उसको देख के। तो मतलब कमाल का एक्शन, और काफ़ी हद तक ग्राउंडेड एक्शन जो होता है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका एक्शन आपको जो है निराश नहीं करता है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इसके अंदर आपको जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं आप उसको अर्ली गैस नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली जो शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं आपका जो लाइक एक एंगेजमेंट है वो साथ में बना रहता है। और अगर बात करें इस मूवी के अंदर जिस तरीके से कोई भी गाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BGM का यूज़ किया गया है, स्पेशली वो तिरंगा वाला गाना जो एंड में चलता है वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करता है। और जहाँ तक बात है इसके अंदर जिस तरीके से प्रोडक्शन है, जिस तरीके से डायरेक्शन है, और जिस तरीके से आपके सामने शॉट्स को रखा गया है, मेरे को पर्सनली वो पसंद आया। देखो इसके अंदर ना मुझे इतनी बड़ी कोई कमी नहीं लगी कि मैं ये बोलूँ कि हाँ आपको ये मूवी इस चक्कर में नहीं देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक ज़बरदस्त मूवी है जो आपका टाइम डिजर्व करती है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस, जो ऑरा सिद्धार्थ मल्होत्रा का शेरशाह के टाइम पे था, जो ऑरा उनका यहाँ पर है, IPF को भूल जाओ बीच में से, वो पता नहीं क्या गांजा फूक के बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पे जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है डेफिनेटली ये आपका टाइम डिजर्व करती है। तो मैं पर्सनली इस मूवी को रेट करूँगा 4 out of 5 stars, क्योंकि ये मूवी मुझे काफ़ी सारे मायनों में बहुत ज़बरदस्त लगी। एक्शन, स्टोरी, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, जिस तरीके से प्रोडक्शन है, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी योद्धा। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे हम नोट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को आज तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।